केशकाल विकास यात्रा पहुंची। केशकाल विकास यात्रा जो मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से 12 मई को प्रारंभ हुई है, आज तीसरे दिन कुंडा गांव से होते हुए नारायणपुर फरसगांव से केशकाल पहुंची। हर्रापदाव के मैदान में सभा का आयोजन किया गया था। सभा में काफी संख्या में जनमानस मुख्यमंत्री को सुनने पहुंचा था। रमन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेसी कहते हैं विकास नहीं हुआ और दूसरी तरफ इस जिले के विधायक जो कांग्रेसी है गांवों में जाकर हुए कार्य का खुद श्रेय लेते हैं। भाजपा के शासन में गरीबों के लिए शासन ने कई योजनाएं संचालित की है जिसका सफलता से क्रियान्वयन हो रहा है। हमने उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों के 36 लाख गैस कनेक्शन का वितरण किया है। 700 करोड़ का तेंदुपत्ता का बोनस कोंडागांव जिले में वितरित किया जा चुका है। वनवासी भाइयों को 1 किलो में चावल फ्री में नमक और चना हमारी सरकार देते आ रही है। स्मार्ट कार्ड से 50,000 तक के इलाज की सुविधा है। सौभाग्य योजना के तहत कुछ ही महीनों में सभी गरीब परिवारों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। बीपीएल परिवारों के लिए लाडली मिनी योजना का शुभारंभ किया गया है। छात्राओं को मुफ्त में साइकिल का वितरण भी हमारी सरकार करते आ रही है। आने वाले दिनों में 50 लाख स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ योजनाओं की जानकारी देने नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। सभा ने हाथ उठाकर उनकी बात का समर्थन किया। इस अवसर पर शासन के मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भी उपस्थित थे। CNI न्यूज केशकाल से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। रायपुर गंज थाना क्षेत्र के एक होटल में बंद कमरे में एक युवती की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में दिनांक 11 मई को सुबह 8 बजे एक और युवती आकर रुके हुए थे। उस समय से कमरा बंद था, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। होटल मैनेजर द्वारा फोन लगाया गया, कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर में होटल में बदबू आने से उस रूम के तरफ देखा गया, उस कमरे में ताला लगा हुआ था। गंज पुलिस मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला तोड़कर देखा तो युवती की लाश मिली। युवती के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा कमरे की फोटोग्राफी कर मर्ग कायम कर युवती के शव को मर्चुरी में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। CNI न्यूज रायपुर से गुरुशरण सिंह भामरा की रिपोर्ट। रायपुर छत्तीसगढ़ WRS कॉलोनी में विगत 10 दिनों से चली आ रही एवं 48 साल में प्रवेश करते हुए श्री सोलापुरी माता पूजा का कल समापन हुआ, जिसमें माता जी को ससुराल में 10 दिनों से अपने भक्तों को अलग अलग रूप का दर्शन देते हुए अपने मायके की ओर प्रस्थान की। सोलापुरी माता की 10 दिनों याचना करने के पश्चात श्री सोलापुरी माता को भक्तों ने बड़ी धूमधाम एवं शोभा यात्रा के साथ अपनी मान्यता को विदाई दी। CNI न्यूज रायपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।